Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. Here Saqib Khan. Welcome to our YouTube channel Oil and Gas Information. Here the EEE tutorial number 2. Two-way light switch wiring tutorial. Staircase. इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि टू वे लाइट स्विच की वायरिंग किस तरह की जाती है इन द केस ऑफ स्टेयरकेस। लेट्स स्टार्ट। टू वे लाइट स्विच उधर यूज होता है कि जहां पे एक डबल स्टोरी घर है और एक नीचे रूम है एक ऊपर रूम है। लेट्स सपोज आपने एक लाइट ऊपर वाले रूम में लगाई हुई, आप उसको नीचे से भी कंट्रोल करना चाहते हैं और ऊपर से भी, तो उसके लिए आप टू वे लाइट स्विच यूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक सर्किट ब्रेकर लेंगे टू पोल वाला, साथ में हमने टू वे स्विच ले लिया एक। लेट्स सपोज करें ये ऊपर वाला रूम है, उसके लिए हमने ये टू वे स्विच लिया और साथ ही एक नीचे वाले रूम के लिए टू वे स्विच ले लिया। अगर हम इस टू वे स्विच को उल्टा करें तो इसकी बैक साइड कुछ इस तरह की होगी, ये आप देख सकते हैं, 1, 2 और एक कॉमन टर्मिनल है। सिमिलर जो नीचे वाले रूम है उसका भी अगर टू वे स्विच की बैक साइड देखी जाए वो भी कुछ इस तरह की है, दोनों सिमिलर स्विच है। साथ में हमने एक लाइट ले ली। सबसे पहले हम सर्किट ब्रेकर की इनपुट में मेन पावर देंगे, एल और एन, ये हमारी सिंगल फेज मेन पावर सप्लाई है। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, अब इधर दोबारा देखें जी, इसको हमने इंडिकेट कर दिया टू वे स्विच को 1 नंबर 1 से, नंबर 2 और एक कॉमन टर्मिनल से। सिमिलर जो दूसरा टू वे स्विच है उसको भी हमने नंबरिंग दे दी, 1, 2 और कॉमन। इस स्विच के नंबर 1 को आप सेकंड वाले स्विच के नंबर 1 से कनेक्ट कर देंगे। और नंबर 2 को भी सिमिलर इसके नंबर 2 से कनेक्ट कर देंगे। अभी आपने क्या करना है जी, सर्किट ब्रेकर की जो आउटपुट है वहां से आपने एक वायर लेके ऊपर वाला जो रूम है उसके एक कॉमन टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है और नीचे वाला जो रूम है उसके कॉमन टर्मिनल से एक केबल लेके लाइट के होल्डर में आपने कनेक्ट कर देना। और सर्किट ब्रेकर का जो दूसरा टर्मिनल था उससे आपने एक केबल निकाल के वो भी लाइट के होल्डर के दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट कर देना। अभी यहां पे हमारी ये टू वे लाइट स्विच की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अभी ये काम कैसे करेगी, लेट्स सपोज के आपका जो नीचे वाला रूम है इस टाइम इसकी पोजीशन इस साइड ये प्रेस हुआ हुआ है, मीन के कॉमन और नंबर 2 आपस में कनेक्ट हुए हैं और आप ऊपर वाले रूम से आप लाइट को ऑन करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपने इस साइड प्रेस किया, देखें इधर से आई पावर कॉमन से नंबर 1 पे पहुंची, नंबर 1 से इसके नंबर 1 पे आ गई, लेकिन आगे पाथ इस कंप्लीट नहीं हो रहा तो लाइट क्या होगी, ऑफ ही रहेगी। जैसे ही आपको आप इसको इस साइड प्रेस करते हैं तो कॉमन नंबर 2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब दोबारा देखें कि यहां से आई मेन पावर कॉमन से नंबर 2 में आई, नंबर 2 से इसके नंबर 2 में आ गई जो कि ऑलरेडी कॉमन के साथ कनेक्ट हुआ हुआ था,
इधर सीधी लाइट में आ जाएगी और इसको इस साइड से न्यूट्रल मिल रहा है तो लाइट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। अभी आप इसको इसी पोजीशन में छोड़ के आप नीचे आ गए हैं, मीन के नंबर टू और कॉमन आपस में कनेक्ट हुए हुए थे। अभी आप इसको लाइट को ऑफ करना चाहते हैं, आपने इसको इस साइड प्रेस कर दिया, कॉमन किसके साथ, नंबर वन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ऊपर नंबर वन इस टाइम ऊपर डिसकनेक्ट हुआ हुआ था क्योंकि ऊपर आप नंबर टू वाली पोजीशन में इसको छोड़ के आए थे, तो क्या होगा, फेज ब्रेकअप हो जाएगा जिससे आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी। दोबारा आप लाइट ऑन करना चाहते हैं तो आप इसको सिमिलर इस तरफ प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, मीन कि आप दोनों रूम में से किसी भी स्विच से आप इसको लाइट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। आई होप कि इस ट्यूटोरियल से आपको टू वे लाइट स्विच के बारे में समझ आ गया होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और साथ ही हमारे YouTube चैनल ऑयल एंड गैस इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि जैसे इस चैनल पे नई वीडियोस अपलोड हों वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।